शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरण करण शुभ कार्यो जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विदाता। से बचा लिया। अगर नीचे गए और वापस चूहे आ गए तो नहीं 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 ऊपर ही रहते। बैठने के लिए जोर से कहीं चिखी। हमें बहुत बुरा सपना आया श्रवणी का। ऐसा लगा कि हमारी बच्ची किसी तकलीफ में है जी। तुम घबराओ मत, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक होगी। और उस दिन हम लोगों ने आंगनवाड़ी में बात भी तो की थी। वहाँ आंगनवाड़ी में सब लोग हमारी बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। नहीं जी, हमारा मन बोल रहा है हमारी बच्ची जरूर किसी खतरे में है, वो तकलीफ में है। इतनी छोटी सी है, कैसे अकेली रह रही होगी वो। ए जी आप उसे मेरे पास ले आइए, अब मैं उसे और दूर नहीं रह पाऊंगी, आप उसे लेके आइए मेरे पास। ए नित्रा, हमारा यकीन करो, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है और हमें भगवान पे पूरा भरोसा है कि हमारी बच्ची बिल्कुल सुरक्षित होगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आओ हमारे साथ, हम दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ चल चलो। कौन आया इतनी रात को? हम देखते हैं, रुको। अरे शरद कहाँ हुआ है? अरे वो बच्ची श्रवणी कहीं मिल ही नहीं रही भैया। अरे कब आके जा रहे हो, नहीं मिल रही है मतलब? हाँ वो पंखुड़ी पानी पीने उठी थी, उसे देखा कि बच्ची अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ उड़ गई। अरे कहाँ चली गई वो लड़की, चलो जल्दी ढूंढो यार। अरे मिली किसी को? अरे भैया सब जगह देख लिया इस लड़की को, कहीं नहीं मिल रही है शरणी, पता नहीं कहाँ चली गई आफत की बुढ़िया। अरे तुम हल्ला ना करो यार, हमको एक तो समझ में नहीं आ रहा लड़की गई कहाँ है, एक तो किसी शहर में जानती रहना किसी को। अगर इन सबको पता चल गया कि उस लड़की को हमने पुराने कमरे में बंद किया है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्या करें। ये दीदी इतना परेशान काहे लग रही है, जरूर शवनी के गायब होने में दीदी का ही हाथ है। अरे दिमाग की नसें फाड़ रखी है इस लड़की ने। और तुम लेके आए थे ना उसे यहाँ, तो तुम्हें नहीं पता कहाँ उड़ गई, अब कहाँ ढूंढे उसे। भैया थोड़ा आराम से बोलिए ना इन्हें। तुम ज्यादा चहको मत। हे भगवान रक्षा करना बच्ची की, इतनी छोटी सी बच्ची कोई तकलीफ में तो नहीं होगी ना। अम्मा वो तो मुसीबत में है ही है,
यहाँ बैठे बैठाई हमारी मुसीबत हो गई, सारा केस हम पे बनेगा क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसकी हमारे घर पे यानी कि हमारे ऊपर है। उसके माँ बाप को भी सूचित करना पड़ेगा। अरे भैया नंबर है माँ बाप का? हाँ हाँ नंबर है। हाँ तो निकालो ना जल्दी। हाँ 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 लगा रहे। भैया हमें लगता है पुलिस में कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। हे भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना, उसको सभी दुख और तकलीफ से दूर रखना। भगवान तो जानता है ना मेरी बच्ची कितनी भोली और मासूम है, उसकी रक्षा करना। अगर पुलिस आ गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ सब सारी जिम्मेदारी लिए हैं, ओखली में सर दी है तो मुसल से काट डालना, सीधा कमिश्नर साहब को एक फोन लगा देता है। भैया जी शरवानी मिल गई। मित्रा भगवान ने भी संकेत भेजा है कि हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है, अब तो तुम्हारे मन को सुकून मिला। इसे तो बुखार चढ़ गया है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। पर भाई जी हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये स्टोर रूम तक कैसे पहुंची और इसे ये केक किसने लगाया था। हाँ हमें आजकल के बच्चे भी ना केक से खेलने का बहुत शौक है इन लोगों को। केक लेकर गई होगी, खेलने लगी होगी और फिर वहीं सो गई होगी। तर्क तो है, ये हो सकता है। भाभी इस तरह केक चुराने का इल्जाम किसी पर लगाना सही नहीं है। बच्चे के उठने का इंतजार करते हैं, हो सकता है गुनहगार कोई और हो। अब ये बच्ची उठेगी तभी सबको सच बताएगी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? और क्या हुआ था? श्रवणी तुम उस स्टोर रूम में क्या कर रही थी? हाँ बिटिया तुम वहां काहे गई रही? अगर इस लड़की ने गलती से भी मुंह खोल दिया तो पता नहीं क्या होगा। वो रात को वो अरे 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 बेटा बेटा उठ गई तुम? अरे कितना चिंता कर रहे थे हम तुम्हारा। इलो, देखो तुम्हारी तुम्हारे मम्मी पापा हमसे मिले थे, तुम्हारे लिए एक तो चिट्ठी दिए हैं। हाँ हम तो चिट्ठी में देना ही भूल गए। इलो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें बाकी के पैसे मिले तो अपना मुंह बंद रखना। अगर किसी को पता चला कि तुम्हें उस कमरे में हमने बंद किया था तो बाकी के पैसे तो छोड़ दो, जो अब तक ले चुकी हो वो भी वापस करने पड़ेंगे। इसलिए जो बोलोगी सोच समझ के बोलो। हम संभाल के रख देते हैं। श्रवणी बेटा तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम सच बताओ क्या हुआ था, तुम स्टोर रूम में कैसे पहुंची और ये तुम्हें केक किसने लगाया था? बताओ। डर काहे रही हो किसी से, बोलो जो सच सच है। वो हम केक खा रहे थे, साथ साथ घूम भी रहे थे।
हमें पता ही नहीं चला हम कब घूमते घूमते कमरे में आ गए, बंद हो गए। बस बेटिया रानी, तुम काहे गई रही उस तरफ? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब देते? अपने कमरे में काहे नहीं रह सकती? आइंदा ध्यान रखना। चलो बिटिया रानी तो मिल गई, सब पढ़ के सो जाओ। अब वो कल सुबह तैयारी करनी है पूजा की। शरद और बीना के होने वाले बच्चे के लिए पूजा रखी है ना? अरे बाप भैया। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।